एफआई रैली पे एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। उसके लिए आपके पास आरएनएफआई की एक रिटेलर आईडी होनी चाहिए। रिटेलर आईडी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटर का व्हाट्सएप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप उससे संपर्क करके रिटेलर आईडी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएनएफआई रैली पे एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है और उसके बाद से ओपन हो जाएगी। यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। आप जैसे ही लॉगिन कर लोगे उसके बाद, चलो मैं आगे दिखता हूँ क्या है उसमें। आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है, आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। चलिए खुल जाने दीजिए इस एप्लीकेशन को। इस थ्री डॉट पर क्लिक करोगे उसके बाद से आपको यहाँ पर आप पहला ऑप्शन मिलेगा आपका नाम लिखकर, आप जिसका भी आईडी होगा रिटेलर का, यहाँ पर आपका नाम होगा, यूजर नेम रिटेलर, यूजर टाइप रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हो, और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी होगी, फैम नेम होगा, पैन कार्ड नंबर होगा, BSTS कोड होगा इस पर, लोकेशन गेट लोकेशन पर आप क्लिक कर दोबारा लोकेशन सेट कर सकती हो लॉन्ग टूटोर लेटीट्यूड। उसके बाद से आप रीसेट पासवर्ड कर दोगे तो आपका जो पासवर्ड है रीसेट होकर आपके SMS पर पहुँच जाएगा, वो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद बैक जाएंगे, उसके बाद थ्री डॉट पर दोबारा क्लिक करेंगे, फिर देखते हैं। ऐसे कंपनी बैंक डिटेल्स हैं, कंपनी की बैंक डिटेल्स देख सकते हो, इनके पास कितनी बैंक्स में लेकर काम कर रही हैं। उसके बाद से व्यू लेजर है, आप यहाँ से अपने लेजर को देख सकते हो, आप कितना पेमेंट निकालते हो डेली, आपका डेली की रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि मेरी आज की रिपोर्ट में यहाँ पर कल की रिपोर्ट दिखता हूँ, जैसे 9 तारीख डालूंगा और यहाँ पर मैं 9 सेलेक्ट करूँगा और ओके के निशान पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद देखिए मेरा जो कल का लेन देन था वो यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे कि 2000 का ये है, 500 का ये है, 5590 का है भी है, ये जी 4 लाख था, ये क्या है, ये DMT हुआ था शायद। उसके बाद से यहाँ पर अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हो, कौन सा ट्रांजेक्शन कितने रुपये का हुआ है, कब हुआ है। उसके बाद बैक जाओगे, बैक जाने के बाद अगले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। अगला ऑप्शन है वीडियो ट्यूटोरियल, आप इस पर क्लिक करोगे, ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि यूज MATM थ्रू एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन को थ्रो मिनी ATM को कैसे यूज कर सकते हैं, आप इस पर यूट्यूब पर वीडियो देखकर इनको यूज करना सीख जाओगे। उसके बाद से आप थोड़े बैक जाओगे, बैक जाने के बाद जो अगला ऑप्शन है उसके बारे में बात करेंगे। अगला ऑप्शन है कॉन्टैक्टर्स, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कंपनी को और लॉगआउट करके आप इस अकाउंट से बाहर जा सकते हैं, लेकिन हम पर आएंगे नहीं बाहर जा रहे। उसके बाद से आपको यहाँ पर रिफ्रेश कर दोगे तो आपके पास ये वॉलेट में रुपया है, जैसे 10 रुपया मेन वॉलेट में, वो आपको यहाँ पर शो करा देगा। उसके बाद ये बेल का आइकॉन है, अगर आप इस एप्लीकेशन का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हो, डेली बहुत लेन देन करते हो, तो आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है मैसेज को। उसके बाद से आप थोड़े बैक जाओगे, उसके बाद इस वॉलेट के आइकॉन पर क्लिक कर दोगे, वॉलेट के आइकॉन पर क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा मेन वॉलेट में आपके 10 रुपये हैं, और AEPS में जो अपने आधार निर्भर पेमेंट सिस्टम के द्वारा जो अपने कस्टमर के बैंक अकाउंट से जो पैसा निकाला हुआ है वो यहाँ पर आपको शो कराएगा। जैसे कि 3006 रुपये यहाँ पर मेरे मौजूद हैं। यहाँ कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है, यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी है, आप उसकी ईमेल आईडी से भी संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद से मैं आपको बता दूँ यहाँ पर उसके नोटिस हैं, यहाँ पर यू नाउ यू कैन लोड योर पेटीएम के वैसी वॉलेट यूजिंग RNFI पोर्टल, इस पर बताता है किस हमारे इस पोर्टल को यूज करके पेटीएम में ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, इसमें सब डिटेल्स को बताता है। उसके बाद रिचार्ज के बारे में बात करेंगे। रिचार्ज में आपको यहाँ DTH मिल जाएगा, DTH का रिचार्ज कर सकते हो, यहाँ पर ये मोबाइल रिचार्ज है। अगला ऑपरेटर्स को सिलेक्ट करोगे जैसे BSNL और यहाँ मोबाइल नंबर, अमाउंट डाल के आप सबमिट कर दोगे तो आपका रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ स्टेटमेंट देख सकते हो अपने रिचार्ज का, जितनी तारीख आप सिलेक्ट करोगे तो इतनी तारीख में कौन सा रिचार्ज हुआ था। या BBPS सर्विस है, भारत बिल पे वाली, आप इस पर क्लिक कर दोगे तो 500 रुपये तो आपको पे करना ही होगा इस एप्लीकेशन को इनेबल करने के लिए, आप चाहें और प्लस GST, और आप चाहें तो आप जो है मेन वॉलेट में भी कटा सकते हो 500 रुपये प्लस GST या AEPS सिस्टम में से, लेकिन हम किसी में से नहीं कटवाना चाहते क्योंकि ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, DMT, आप DMT पर क्लिक कर दोगे, आप किसी भी बैंक अकाउंट में यहाँ से DMT कर सकते हो, वो अपना यहाँ से उसके खाते में रुपये पहुँच जाएंगे, लेकिन DMT भी नहीं करनी हमें, यहाँ ट्रांजेक्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर DMT का ट्रांजेक्शन को शो करा देगा। उसके बाद से जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है बैलेंस और दूसरा है बैलेंस वो विड्रॉ का, तो आप यहाँ बैलेंस पर क्लिक करोगे, तो बैलेंस पर क्लिक करोगे, आधार नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, बैंक को सिलेक्ट कर लोगे,
उसके बाद से यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन डाल दोगे तो आप यहाँ से सबमिट करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसके खाते में कितना रुपया, आप जिसका डिटेल्स डालोगे। अगर आपको किसी के पैसे निकालने हैं तो विड्रॉ पर आप क्लिक कर देंगे, कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका अमाउंट फीड करोगे, आप यहाँ पर कितने रुपये निकलवाना चाहता है, यहाँ पर बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी बैंक निकलवाना चाहे वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जो भी लिखना चाहें आप, और सबमिट पर क्लिक करोगे, फिंगर लगाओगे तो आपको उसके सामने आपके सामने फिर आगे रसीप्ट शो होगी। तो ऐसे यहाँ पर पैसे निकाल सकती हो कस्टमर के आधार नंबर पेमेंट के सिस्टम द्वारा। अब उस पर क्या करोगे, मिनी स्टेटमेंट। अगर आपको किसी भी बैंक का स्टेटमेंट देखना है, पैसा कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, अगर कस्टमर आपके पास आता है कि हमारे 10 ट्रांजेक्शन दिखाओ लास्ट के, तो आप यहाँ पर आधार नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर, बैंक को सिलेक्ट करोगे, डिस्क्रिप्शन डाल कर आप सबमिट करोगे तो आप यहाँ पर किसी का मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर किस सारे बैंक का नहीं देख सकते, जैसे कि स्टेट बैंक का नहीं देख सकते, और सभी बैंक से इसमें बहुत सी बैंक उपलब्ध हैं, लेकिन आप उसका नहीं देख सकते। उसके बाद मैं बता दूं, आप इसमें स्टेटस का स्टेट बैंक का नहीं देख सकेंगे। उसके बाद आप होम पर क्लिक करोगे तो आप होम पर आ जाओगे। उसके बाद बात करेंगे लेजर की, आप उसमें अपना मतलब आप जितना EBS यूज करते हो उसका लेजर देख सकते हो, वो आपको मैंने बता ही दिया, वो आपको यहाँ से भी हो जाता है। उसके बारे में जो बात करेंगे वो है सेटलमेंट। आपके यहाँ पर ये देख लीजिएगा, आपको वॉलेट का आइकन पर क्लिक करके देखो, 3 या 6 रुपये हैं। अगर आप इनको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप सेटलमेंट ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर आप इस नोट को पढ़ लीजिए और यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके अमाउंट डाल के कन्फर्म करोगे, फिर ओके कर दोगे। उसके बाद अपने खाते में जितना आप यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे उतने रुपये आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद से जो बात करेंगे हम, वो यहाँ से सेटलमेंट ट्रांजेक्शन देख सकते हो, जो आपने अपने खाते में कितने रुपये भेजे हैं, और यहाँ से जो बैलेंस और विड्रॉ, आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बैलेंस और विड्रॉ। जी जो दो ऑप्शन है ये तब काम करेंगे जब आप किसी मिनी ATM के द्वारा, आपके पास मिनी ATM है तो आप उस ATM से आप बैलेंस चेक करोगे किसी में किसी के बैंक में, तो आपको बैलेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करोगे, कार्ड मशीन कनेक्ट हो जाने के बाद कार्ड को स्वैप करोगे, पिन डालोगे, उसके बाद आपको पता पड़ जाएगा इसके खाते में इतना बैलेंस है। उसके बाद जो बैलेंस, उसके बाद है विड्रो, आप विड्रो पर क्लिक करोगे तो आप ATM कार्ड से विड्रो कर सकते हो। उसके बाद से सेटलमेंट ट्रांजेक्शन आप यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो, बात एक ही है। ICICAC डिपॉजिट, आप यहाँ से ICICI बैंक में रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं, उसका लेजर भी देख सकते हैं हमने कितनी इसमें डिपॉजिट कर दिया, कितना कैश और कब किया है। और यहाँ पर आप वॉलेट का भी यूज कर सकते हो, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक, और इसके ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो हमने इसके द्वारा क्या किया, क्या करवाया। उसके बाद जो नीचे आधार में देख सकते हो व्यू लेजर, आप जैसे व्यू लेजर पर क्लिक कर दोगे आपका ये लेजर शो हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया ये वाला व्यू लेजर का ऑप्शन, और यहाँ वाला एक ही है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रेडिट स्टेटमेंट, इसको नहीं देखेंगे हम, वीडियो ट्यूटोरियल वाला हमने आपको बता ही दिया, यहाँ से वीडियो देख के समझ सकते हो जाएगी, जैसे कि वीडियो ट्यूटोरियल, और हम पर जाएंगे और नीचे मैं आपको दिखा दूँ, सबसे नीचे लास्ट में कॉन्टैक्ट, आप यहाँ से ये कॉन्टैक्ट वाला भी बता दिया, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये कॉन्टैक्ट वाला मिल जाएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है इस एप्लीकेशन चलाने में तो आप यहाँ से इसकी कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब तो आपने समझ लिया होगा रेली पे एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करते हैं।